मैं ना गाइस इस वीडियो में फ्लिपकार्ट पी लेटर की एक आपको रियलिटी बताऊंगा, लिमिट के बारे में एक रियलिटी को शो करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। मैंने ना 5-6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि जो पी लेटर होता है उसकी लिमिट, जो हाईएस्ट लिमिट रहती है वो कितनी रहती है। मैंने ना उस वीडियो में कस्टमर केयर से बात करी थी, उन्होंने मेरे को बताया कि पी लेटर की जो लिमिट है अच्छी खासी बढ़ जाती है, वो मैटर करती है आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़ता है तो लिमिट भी बढ़ती है, सिविल स्कोर अगर कम होगा तो लिमिट भी कम होगी। वैसे मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कि मेरा सिविल स्कोर कम हो रहा है तो मेरी लिमिट भी कम हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आया। अगर आपके साथ हो रहा है तो आप लोग कॉमेंट ज़रूर करना या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे इसके बारे में पता लग सके कि हाँ भाई ऐसा भी होता है कि लिमिट मैटर करती है सिविल स्कोर पर। उन्होंने तो मुझसे कह दिया कि लिमिट सिविल स्कोर पर मैटर करती है, लेकिन मैं नहीं मानता इसको, ठीक है। अब गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। 3-4 महीने से देख रहा हूँ मेरी लिमिट ना 90,000 पर अटकी हुई है। मतलब यार 90,000 तक तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ी। जैसे जैसे मैंने शॉपिंग करी पे लेटर से, अच्छे से तरह से उसका टाइम पर पेमेंट किया एंड अच्छी तरह से लिमिट बढ़ गई, टोटल लिमिट मेरी हो गई 90,000 अभी भी, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मैं हर मंथ अच्छी तरह से शॉपिंग कर रहा हूँ पे लेटर से, जैसे पहले करता था, लेकिन अब ना मैं और ज़्यादा करने लग गया हूँ 3-4 महीने से। लेकिन अब देख रहा हूँ कि लिमिट बढ़ी नहीं रही, 90,000 पर अटकी हुई है लिमिट। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि 90,000 के बाद बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। अगर गाइस किसी की भी 2 लाख 1 लाख इतनी लिमिट है ना, तो वो मुझे ना इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है भाई। एक बात तो देखो क्लियर है कि जैसे ही 90,000 पर आपकी लिमिट पहुंच जाएगी तो भाई बहुत ही स्लो हो जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा लिमिट बढ़ना। लिमिट मतलब अब देखता हूँ मैं कि अब 90,000 के बाद कब लिमिट बढ़ेगी, जब भी बढ़ेगी मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। मुझे ना एक बात तो क्लियर हो चुकी है, 90,000 पर आकर लिमिट अटक जाती है भाई।